विजन अजमेर संस्था के तत्वावधान में आयोजित सड़कों की समस्या और समाधान विषय पर आयोजित परिचर्चा में रविवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता अविनाश शर्मा ने कहा कि डामर की 95% सड़कें बारिश में जमा पानी की पर्याप्त निकासी का अभाव और नालों तथा नालियों पर हो रहे अतिक्रमण सड़कों की बदहाली के कारण बनते हैं। ज्ञानमार्ग पंचील हाउसिंग बोर्ड स्थित डॉक्टर आकाश माथुर के निदान डाइजेस्टिव हेल्थ सेंटर पर आयोजित परिचर्चा में शर्मा ने कहा कि सड़कों की टूट फूट से बचने के लिए जरूरी है कि प्री मानसून सत्र से ही पैचिंग वर्क शुरू कर बदहाली से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी विभागों का आपसी तालमेल भी जरूरी है तथा वर्तमान में नई तकनीकी के आधार पर ठंडे डामर और मिश्रित सामग्री से सड़कों की मरम्मत संभव है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता केदार शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि हाइब्रिड सिस्टम के तहत सड़कों की लंबे समय तक चलने की कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। इसके अंतर्गत आवश्यकता अनुसार डामर तथा सीमेंट सड़कों के निर्माण का चयन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर अथवा जिले सहित राज्य की मुख्य सड़कों को सूचीबद्ध कर उनके रखरखाव एवं मरम्मत की जिम्मेदारी और अलग से बजट निर्धारित किया जाना चाहिए। सड़कों के दोनों ओर पानी की निकासी समुचित व्यवस्था से भी टूट फूट से बचा जा सकता है। इन सभी में विकास प्राधिकरण, नगर निगम तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की परिधि में आने वाली सड़कों को सूचीबद्ध करना नितांत आवश्यक है, जिससे इनके रखरखाव में आसानी होगी। इस अवसर पर PNB के पूर्व महाप्रबंधक वेद माथुर ने कहा कि बड़े शहरों की तरह योजना बनाकर शहर के सड़कों को दीर्घकालीन चलने के लिए उचित ड्रेनेज का मास्टर प्लान बनाकर निस्तारण करना चाहिए। परिचर्चा में एडवोकेट प्रकाश मीणा ने कहा कि हमें अधिकारों से पहले अपने नागरिक कर्तव्यों को निभाना जरूरी है। सड़कों की दुर्दशा पर कहा कि सड़कों के निर्माण समय ही काम में ली जाने वाली सामग्री की सही जांच व निगरानी रखना जरूरी है। इसके अभाव में सरकारी अधिकारी एवं ठेकेदार अनुचित लाभ उठाते हैं। सभी विभागों में तालमेल से सड़कों पर की जाने वाली तोड़फोड़ से भी रोका जाना चाहिए। बलवंत सिंह शेखावत ने कहा कि शहर में अवांछनीय जल भराव को रोककर क्षतिग्रस्त होने से बचाना चाहिए। शहर के सुभाष नगर क्षेत्र में ब्यावरचुंगी से लेकर आदर्श नगर तक सीमेंट सड़क निर्माण किया जाना चाहिए। डॉक्टर आकाश माथुर ने कहा कि शहर की चिंता के साथ हमें अपने स्वास्थ्य के लिए रोजाना व्यायाम और दौड़ लगानी चाहिए, साथ ही सात्विक भोजन करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी विनीत लोहिया ने कहा कि हमें वास्तविकता के अपनाकर जमीनी स्तर पर उतरकर कार्यों को अंजाम देना चाहिए, जिससे प्रशासन व सरकार का ध्यान अजमेर की मूलभूत समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित हो। परिचर्चा का संचालन माधवी स्टीफन ने किया। विजन अजमेर द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी व आज की परिचर्चा की पूर्ण जानकारी गिरधर तेजवानी ने दी। धन्यवाद समन्वयक कमल प्रकाश कृष्णानी ने दिया। बैठक में आमजन संस्थाएं सड़कों की समस्या पर अल्पकालीन व दीर्घकालीन सुझाव दिए गए, जिनमें उमेश चौरसिया, पुरुषोत्तम तेजवानी, डॉक्टर भरत चबलानी, अमर सिंह राठौर, हरिकिशन टेकचंदानी, महेंद्र कुमार तीर्थानी, राजीव शर्मा, सुनील यादव आदि उपस्थित रहे। उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हो गई है, परंतु दीर्घकालीन के लिए जो अजमेर में पानी हम लोगों के पास में यहाँ पे आना चाहिए, चाहे जलानी योजना के तहत हो, चाहे हम लोगों को चंबल की योजना के तहत कहीं ना कहीं दूसरी योजना के ऊपर यदि हम लोग काम नहीं करेंगे तो आने वाले 40 साल बाद 30 साल बाद अजमेर वापस त्राहिमाम त्राहिमाम करेगा। उसके लिए हमने एक लेटर गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री को भी दिया, या फिर कलेक्टर्स को भी दिया, या फिर जो उससे संबंधित जो विभाग के उन सब चीज़ों के लिए हमारी ये रही कि हम लोग एक बार हम लोगों को प्रॉपर तरीके से जयपुर चलना चाहिए था। हम लोग जयपुर नहीं गए, हम लोग यहीं पर भी से उनको डिस्पैच किया, उनकी रिसीविंग हम लोगों को और वहाँ से डिपार्टमेंट से हम लोगों को रेस्पॉन्स किया है। पिछले दिनों हमने एक जो बरसाती पानी को लेकर 24 सूत्रीय आइटम, 24 सुझाव अलग अलग हमने यहाँ से अलग अलग पॉइंट वाइज भेजे थे, उन 24 पॉइंट भी वहाँ पर पहुँच गए और उनसे मुख्यमंत्री कार्यालय से बाकायदे वहाँ से टेलीफोन आया कि आपका एक पत्र प्राप्त हुआ और एक्चुअली इस बारे में आपसे कुछ यदि हो सकता है कुछ लोगों को हम लोग जयपुर बुलावे और जयपुर में बुला के वहाँ से मुख्यमंत्री जी इस बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो इस बारे में हो सकता है कि अपन को एक बार जयपुर चलना पड़े। तीसरा आज जो हमने जिस विषय के ऊपर आज हमने जो हमारी शहर की टूटी हुई सड़कों के ऊपर हमने चर्चा करी कि इन सब चीज़ों में बोलना तो क्या होता है, कई चीज़ मेरे भी दिमाग में आती है हम ऐसे कर लेते तो ऐसे हो जाता है, ऐसे कर लेते तो ऐसा। तो आज हमने इस मैटर में हमने अविनाश शर्मा जी को, केदार जी शर्मा जी को हमने बुलाया और आज क्योंकि आप भी डॉक्टर साहब भी इन सब चीज़ों से विभागों में रहें तो सारी सब चीज़ों के हिसाब से जानकारी रही है। मैंने मीना जी को, प्रकाश मीना जी को भी बेसिकली इसलिए बुलाया क्योंकि ये इन सब चीज़ों के अंदर इंटरनल क्योंकि क्या होता है कोई भी काम सीधे तरीके से नहीं होता, सीधे तरीके से कराने के लिए एक लेटर के तरीके से हो सकता है, कहीं ना कहीं प्रोग्राम के रूप में हो जा सकता है, अलग अलग तरीके से, क्योंकि देश को भी आज़ादी ऐसे नहीं मिली थी, अहिंसा के तरीके से भी मिली थी, क्रांतिकारी लोग भी आए थे और कई सारे साइलेंसली काम करने वाले तब हमारे देश के अंदर हमको आज़ादी मिली थी, तो अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों को आज काम करना पड़ेगा। आज का जो कुल मिलाकर जो मेरे दिमाग में निष्कर्ष है
वो सबसे बड़ा ये है कि अजमेर की जो सड़कें हैं उन सड़कों का एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि दोनों तरफ नालियां हैं। मैं आपको नालियों का एक छोटा सा एग्जाम्पल कल का देता हूँ, कल रात का एग्जाम्पल देता हूँ, उससे बेसिकली आप लोगों सबको समझ में आ जाएगा। जैसा आपने उस चीज को इंडिकेट किया कि आगरा गेट से लेकर और सूचना केंद्र तक की सड़क गली नहीं है, परंतु मैं आपको बताऊं कि उसके दोनों तरफ नाली नहीं है, नाली नहीं है और सड़क डल गई। अजमेर में उस जगह पे इतना पानी भरा है, यदि वो सड़क के ऊपर प्रॉपर तरीके से सीमेंटेड होगी भर रहा है पानी और आपके दोनों तरफ नाली नहीं है, ये तो आपकी समस्या ही है। नाली की योजना कहीं ना कहीं हम लोगों को ड्रेनेज के सिस्टम को प्रॉपर तरीके से हो, और ड्रेनेज भी हम लोगों का दुर्भाग्य ये भी होता है कि जो ड्रेनेज बनती है वो ड्रेनेज प्रॉपर तरीके से जिस एंड पे जाके पहुंचनी वहां तक की ऊंचाई को भी ध्यान रखो, क्योंकि ड्रेनेज के अंदर उस समय कोई अभी उसको चेक करने वाला नहीं होता है कि उसकी ड्रेनेज जाकर ही ड्रेनेज पर डाल दी। अभी कचेरी रोड की ड्रेनेज डल रही, बुरा मत मानना, मैं बहुत स्पष्टता से चीज कह रहा हूँ, कचेरी रोड की ड्रेनेज डल रही है, वो पानी ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाता है इस बारे में किसी को भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और वो ड्रेनेज भी डल रही है, इतना करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है, परंतु ड्रेनेज के सिस्टम को यदि बैठ के भी तय करे सिस्टम को, उसमें बहुत बड़ी एक मिस्टेक हो रही है। दुकानदारों के नीचे भी वहाँ पर नीचे नाला है, वो नाला सारा जाम पड़ा हुआ है, उसके ऊपर हम लोग कहीं दूसरी तरफ किए, इनको भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों को उनको यदि प्रॉपर तरीके से सफाई का भी अभी हम लोग काम करेंगे तो उन सब चीज़ों का डायरेक्ट तो सड़क का। दूसरा सड़क का सिर्फ सीमेंट के हम लोग सिर्फ ड्रामर की सड़क से निकल के हमको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, हमको निकलना पड़ेगा कहीं ना कहीं इस सड़क के ऊपर सीमेंट की सड़क के ऊपर हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जैसा कि जो नई सड़क जो नया टेक्नोलॉजी आई है, जैसे मैंने आपसे भी दोनों से निवेदन किया कि जो नई तकनीकें आई है उन नई तकनीकों से यदि बेस्ट है या नहीं है मुझे नहीं मालूम है, यदि वो बेस्ट है उनको उपयोग करने के अंदर भी सरकार के सिस्टम को आना चाहिए। आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि यदि लॉन्ग टर्म के हिसाब से यदि हम सड़कों के लिए लोगों को बातें कर दें, किस चीज के लिए बातें कर दें कि ये सड़क सिर्फ एक साल में तुमको हर बार पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये तुमको आगे भी तुमको करना पड़ेगा, तो सब चीजों के लोगों को बढ़िया रहेगा। तो ये सारी चीजें आज पंचशील हाउसिंग बोर्ड में डॉक्टर आकाश माथुर के क्लिनिक पर एक विजन अजमेर की मीटिंग हुई जिसमें अजमेर की सड़कों के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। इस चर्चा का जो परिणाम सामने आया विश्लेषण के बाद वो ये था, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात ये थी कि अजमेर के अंदर कहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, किस तरह उनका पुनर्निर्माण होना है, किस तरह गड्ढे भरे जाने हैं, इसके लिए एक समग्र योजना बननी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो सड़कें बनती है यदि पानी के ड्रेनेज की उचित व्यवस्था नहीं है तो कुछ ही दिनों में टूट जाएगी, इसलिए सड़क बनाने से पहले यह देखना होगा कि पानी की निकासी की उपयुक्त व्यवस्था है। एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि तकनीकी व्यवहार्यता या टेक्निकल फिजिबिलिटी देखी जानी चाहिए। कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पानी की आवक इतनी ज़्यादा है कि वहाँ डामर के बजाय सीमेंट की सड़क बननी चाहिए, तो वहाँ सीमेंट की सड़कें बननी चाहिए। कुछ लोगों का यह भी मत था कि सरकार के अंदर जो इंजीनियर होते हैं उनकी सड़कों की गुणवत्ता के बारे में कोई जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। एक सड़क जब नई बनती है यदि वो टूट जाती है 6 महीने 4 महीने में या एक ही बरसात में पूरी सड़क बह जाती है तो उसके लिए ना तो कभी किसी कॉन्ट्रैक्टर को और ना ही किसी इंजीनियर को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि कोई भी सड़क बनती है तो टैक्स पेयर की कड़ी और गाढ़ी कमाई से बनी हुई होती है। तो यदि अकाउंटेबिलिटी आने लग गई तो अपने आप क्वालिटी कंट्रोल होगा और सड़कों की गुणवत्ता बेहतर होगी। इसके अलावा जगह जगह जो खुदाई होती है और खुदाई के समय जब कोई पाइपलाइन डलती है तो खुदाई के चार्जेज जो उपभोक्ता होता है उससे लिए जाते हैं, लेकिन वो जो खुदाई से सड़क तोड़ी जाती है वो नहीं बनती है। इसी तरह एक बात ये भी थी कि आजकल कई शहरों के अंदर इस तरह की जो यूटिलिटीज़ होती हैं उनके लिए सड़क के किनारे एक डक्ट बना दी जाती है, उस डक्ट में सब तरह की केबल्स और पाइप आ जाते हैं, तो जो नई कॉलोनियाँ बन रही है उसमें इस तरह की कोई डक्ट बननी चाहिए। एक और सुझाव बहुत अच्छा आया कि जब भी किसी कॉलोनी के अंदर या किसी गली के अंदर सड़क बने तो वहाँ के नागरिकों को उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। यदि वो ठीक से उसकी मॉनिटरिंग करेंगे तो ठेकेदार या इंजीनियर के पास ये स्कोप नहीं रहेगा कि वो उसकी गुणवत्ता को डाउन हो जाए कर दें। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा सुझाव ये भी आया कि जो सड़कें बनाई जाएं
उनमें बनाने वाले ठेकेदार को ही 10 साल तक का उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए कि मेंटेनेंस भी वही करेगा, तो उससे अच्छी सड़कें मेंटेन होंगी। जैसे आप राष्ट्रीय राजमार्गों पे देखते हैं कि जो ठेकेदार बनाते हैं उनको 10 साल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है मेंटेनेंस का। तो कुल मिला के सुझाव आए और जो नागरिक थे उन्होंने इस बात पर अफसोस व्यक्त किया कि अजमेर की सड़कों की इतनी खराब और खस्ता हालत है कि पूरा शहर बदहाल हो गया है और हर साल ये स्थिति आती है। इसके लिए ज़रूरी है कि नगर निगम और दूसरी संस्थाएं पानी की निकासी का भी उचित इंतजाम करें ताकि पानी समय पे डिस्पोज हो जाए, सड़कों को डैमेज ना करे। जी, आपका परिचय। मैं वेद माथुर हूँ, एक जागरूक नागरिक हूँ, लेखक हूँ और पंजाब नेशनल बैंक में मैं जनरल मैनेजर पद से रिटायर हुआ हूँ। Pizza Point, Kangor, for delicious moments.